लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी कितनी बेचैन है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री उन राज्यों के लगातार दौरे पर हैं जहां पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं है। पश्चिम बंगाल के दौरे के बाद आज अमित शाह दक्षिणी राज्य तेलंगाना दौरे पर रहेंगे। शाह लगभग 12 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद एक होटल में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे जिसमें विधायक दल के नेता पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद लगभग 2 बजे कोंगरा कला में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक होगी जिसमें आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। हाल ही में एबीपी सी वोटर ओपिनियन पोल में भी बीजेपी को राज्य की 17 सीटों में एक ही सीट मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। सत्ताधारी कांग्रेस को 11 सीटें तक मिलने का अनुमान है।